अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी इसको भी हम कंफर्म कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए एक लाभ होगा कि जो साथी हमारे बाहर भी हुए हैं उन लोगों को भी अन्य जगहों पर मौका मिल जाएगा। अगर कहीं रिक्त पद है तो वहां पे आप जाओगे तो आपको आपकी प्राथमिकता पहले रहेगी। इसीलिए जो व्यापम पास के मार्क्स थे वो कुछ नहीं मिलने हैं। ये जो यूट्यूबर्स बता रहे थे कि व्यापम पास को मिलेगा, सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि मेरे जो जहां कार्य कर रहा था वो करता रहेगा, वो बाहर नहीं होगा। अगर आपके पद हैं रिक्त पद हैं, आपकी जगह पे कोई नियमित शिक्षक नहीं आया है, तो जो जहां पे काम कर रहा था वो करता रहेगा, वो किसी भी हाल में बाहर नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है, चाहे स्कोर कार्ड में कुछ भी बन गया है, आप बाहर नहीं होगे। चाहे आप डीएड बीएड हो, चाहे पात्रता परीक्षा पास हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने पिछले वर्ष काम किया है वो इस वर्ष भी काम करेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। इसका जवाब आपको विधानसभा में मिल चुका है। पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा, जो पहले से कार्य कर रहे हैं वो करते रहेंगे और उसी स्कूल में कार्य करते रहेगा। अगर नियमित शिक्षक नहीं आया है तो स्पष्ट कर दिया गया है, विधानसभा में भी स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। जो पूर्व में कार्यरत थे उन्हीं अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा अगर पद खाली है तो, और अगर कोई नियमित शिक्षक आ गया है तो दूसरे स्कूलों में रखा जाएगा, लेकिन प्राथमिकता के आधार से पहले पुराने अतिथि शिक्षकों को ही रखा जाएगा। पोर्टल पे अपडेट भी किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हें स्पष्ट कर दिया गया है कि पुराने अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा जो पहले से कार्यरत है, और विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया था, विधानसभा से भी स्पष्ट कर दिया गया। तो अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अपडेट पाने के लिए लाइव चल रहे थे, परिहार जी भी लाइव आए थे और आप लोगों ने बात सुनी उनकी, उन्होंने क्या कहा। साथ में हम लोग थे, बस कुछ चीजें हैं जो उन लोगों ने आप लोगों आपसे उन लोगों ने बताई। सबका उद्देश्य एक ही है, किस प्रकार से हमारे साथियों का हित हो, हमारा कोई भी साथी बाहर ना हो। अभी जो आदेश हुआ है पैनल अपडेट करने के लिए, उस आदेश को लेकर के बहुत विसंगतियां चल रही है। इस संबंध में हमने चर्चा भी किया था और आदेश में भी स्पष्ट है, आप सबको ये ध्यान देना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम बाहर हो गए या हमारा नाम चढ़ा नहीं रहे हैं वो, तो या जो कार्यरत थे केवल उनका ही नाम लेकर फीड कर रहे हैं पोर्टल में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2023-24 में, मीन्स ये कहने का मतलब है कि अगर आपका पैनल 2019 में ही बना हो, 19 क्योंकि जो पैनल वाला सिस्टम शुरू हुआ है 19-20 से शुरू हुआ है, और उसके बाद से रेगुलर जो भर्ती हो रही है हम लोगों की, पूर्व में कार्यरत को ही वरीयता मिल रही है। तो ये याद रखना आप लोग, जितने फॉर्म 19-20 में जमा हुए थे, चाहे वो कार्य कर रहे हों और चाहे कार्य ना कर रहे हों, अगर उनके फॉर्म स्कूल में जमा किए गए हैं तो उन्हें आपके प्रिंसिपल को फीड करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए आप लोग ही दौड़ भाग कर पाओगे। इससे क्या होगा कि जो लोग पुराने लोग थे, मान लो कहीं पद रिक्त भी होता है, अगर आज आपका नाम नहीं चढ़ा, कहीं पद रिक्त हो गया, या जो साथी वाला काम कर रहा है वो गवर्नमेंट जेल में लग गया या उन्होंने छोड़ दिया, तो उसकी जगह वो नया पैनल क्रिएट कर लेंगे। अगर आपका नंबर आएगा भी तो आपको मौका नहीं मिलेगा उसमें। तो ये ध्यान रखना कि सत्र 23-24 में जो नियुक्तियां हुई हैं, जिस पैनल के आधार पे हुई हैं, चाहे वो पैनल आज से दो साल चार साल पहले ही क्यों ना बना हो, उन सभी का नाम पैनल में दर्ज करना है। ये विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान जरूर रखिएगा कि बहुत सारे प्रिंसिपल डीओ बीओ लोग क्या करेंगे, अपने लोगों को पैनल में घुसेड़ने का प्रयास करेंगे और आपका कार्य व्यवहार खराब बता करके उनको वो प्राथमिकता दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये जरूर ध्यान रखना कि आप लगभग सब लोगों को मालूम होता है कि कितने लोगों के फॉर्म स्कूल में आपके जमा हुए थे, कितने लोग कब जमा किए हैं, इस चीज को जरूर थोड़ा आप लोग कंफर्म कर लेना। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार प्रिंसिपल के हाथ में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आपकी नियुक्ति की समस्त प्रक्रिया आपके हाथ में दी जाएगी, ऐसा दी जाएगा कहना है आज जो मुझसे कहा गया, क्योंकि मैं डायरेक्ट जाके सर से मिलकर आया था कि सर जो हर वर्ष ये इतना हमारे साथ ही परेशान होते हैं, प्रिंसिपल लोग अपने मनमर्जी करते हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि आपको इस सत्र में परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण कार्य नियुक्ति से लेकर के सभी काम आपके
आईडी पर हो, आप अपने आईडी से अपने नियुक्ति का प्रोसेस करो, आपकी आईडी पर ही नियुक्ति आदेश जारी हो और आप लोग सिर्फ एक प्रिंसिपल के अंडर में काम करेंगे, इतना ही रहेगा। बाकी प्रिंसिपल्स को इस बार हम लोग कोई भी कार्य करने को नहीं दे रहे हैं। इस बार संपूर्ण जो कार्य रहेगा वो आप लोगों को करना है, उस पर नीति बन रही है, उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं, इसीलिए इस बार नियुक्ति के लिए भी टाइम भी लग रहा है। तो पैनल हमारे लिए अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है, जरूर ध्यान रखें आप लोग, पैनल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग की सुविधा बन रही है। हाँ, एक चीज और चल रहा है कि अनुभव के अंक, अभी बताया परिहार जी ने आप लोगों को कि अनुभव के अंक जोड़े जा रहे हैं इस सत्र में, जो है आप लोगों को अनुभव के जो अंक है वो जोड़े जा रहे हैं। अभी ये कंफर्म उन्होंने नहीं किया है कि एक वर्ष के हमें कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक दे रहे हैं कि 5 अंक दे रहे हैं कि 10 अंक दे रहे हैं, कितने वर्ष वालों को दे रहे हैं, कैसे उसकी क्राइटेरिया क्या सेट कर रहे हैं, कि एक सत्र में कितने दिन लेंगे, सभी पिछले बार जो क्या होता 72 दिन ले रहे थे एक सत्र का, इस सत्र में इस बार कितने दिन ले रहे हैं, अभी ये कंफर्म नहीं किया है, पर जल्दी मैं इसको भी मैं कंफर्म कर लूंगा। मुझे मेरा प्रयास ये है कि जिसने भी 50 दिन अगर स्कूल गया है सत्र में तो उसको सत्र कंप्लीट माना जाए और उसे भी उस सत्र का अनुभव का अंक मिलने चाहिए, हमारा प्रयास यही है। तो आप ये कंफर्म कर लीजिए, जो काम कर रहे थे जिनका पद रिक्त अभी भी है वो बाहर नहीं हो। हाँ, समस्याएं किसके लिए हो रही है, जिनके लिए जो बाहर हो चुके हैं उनके लिए हम लगातार लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोग आप लोगों को मौका दिलवा पाए, आगामी समय में जो जगह रिक्त हो वहां पे केवल हमारे अनुभवी साथियों को ही मौका मिले। हाँ, बस आ रहा हूँ 5 मिनट से। अभी मैं जल्दी जो पैनल वाला आदेश जारी हुआ है उसको लेके एक वीडियो बना रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग अपने जिन प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल या नाटक कर रहे हैं कि हम इनका नहीं करेंगे उनका नहीं करेंगे, उनको आप जाके मेरा वीडियो दिखाना कि ये सर उस आदेश को हम क्लियर कर रहे हैं। और सर ने भी यही बोला है कि हमने ये नहीं बोला है कि जो सत्र में जो पिछले साल में जिनने काम किया है उनका ही नाम ऐड करना है, चाहे वो काम किया हो ना किया हो इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आपने का उस स्कूल में पैनल है पहले से, मतलब आपने वहां फॉर्म जमा किया था, चाहे आज से 5 साल पहले ही क्यों जमा किया था, मतलब कुल मिला के 19-20 में भी अगर आपने स्कूल में फॉर्म जमा किया है तो आपका नाम पैनल में ऐड होगा। बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए, जल्दी नए स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे जिसमें आपके अनुभव के अंक जुड़े रहेंगे। पूरी तरह से इस समय पर डीपीआई में हमारा ही काम चल रहा है। एक जरूर अभी आने वाले समय में हम लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी है, ट्रांसफर, प्रमोशन और भर्ती। तो इतने तो गारंटी इस बार है कि जो लोग लग जाओगे वो बाहर नहीं होंगे, 1 साल वो काम करते रहेंगे, भले आपके जगह पर कोई नया शिक्षक भी आ जाएगा तब भी आप 1 वर्ष तक काम करते रहेंगे। इस साल आपका अनुबंध लागू हो रहा है, इस सत्र में आप बिल्कुल बाहर नहीं किए जाओगे। बाकी चीजों के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री और सीएम के लेवल के हैं का है उसके लिए भी प्रयासरत है। अभी आपको परिहार जी ने आगे सब बता ही दिया है और आपको न्यूज मिलती रहेगी, सीधी भर्ती प्रमोशन जो भी बाहर हुए हैं अनुभव के अंक आपको मिल जाएंगे, जहां पे रिक्त पद हो वहां पे आप लोग आवेदन करेंगे, आपका नंबर पहले लगेगा और जो अनुभवी नहीं है उनका नंबर बाद में लगेगा। बाकी देखिए, अगर ये कोई कहता है कि जहां नियमित शिक्षक आ भी गया है वहां भी हमें रखो, ये समय किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां नियमित शिक्षक आ गए हैं वहां पे आपको दोबारा रखा नहीं जाएगा। आप कोई अगर ये बोलता है कि जहां पे पहले शिक्षक आ गए हो हमको वहीं रखा जाए तो ये संभव नहीं है। हाँ, जहां रिक्त पद हुए हैं पहली प्राथमिकता आपकी होगी, जो पहले से काम कर चुके हैं, जो फ्रेश हैं, जो नए रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनको तभी मिलेगा मौका जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले जब जो साथी हमारे पुराने कार्यरत थे वो अगर नहीं करते हैं तभी नई भर्ती होगी, नया पैनल बनेगा। और इस बार इसीलिए ऑनलाइन प्रोसेस पूरी की जा रही है, हम भी प्रयासरत हैं कि पूरी नियुक्ति डीपीआई करे, हमें मौका दे, हम अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करें और डीपीआई उसके लिए आदेश जारी किए करे। पूरा काम इस पर चल रहा है जैसा भी है। बाकी आपको जो समस्याएं होंगी आपको नंबर मेरा मालूम ही है या परिहार जी का नंबर मालूम है, आप किसी को मैसेज कर देंगे, कॉल ना करें तो अच्छा रहेगा। आपको जो भी मैसेज करोगे आपको रिप्लाई जरूर मिलता है और हम लोग प्रयास भी करते हैं कि सभी समस्याओं का निराकरण हो। मोबाइल नंबर चेंज सब इससे भी ऑप्शन आ चुके हैं, आप लोग स्वयं भी कर सकते हो, नहीं हो पा रहा तो हमारे पास भेज सकते हैं, जो भी समस्याएं हो आप लोग हमारे पास तक भेज सकते हैं। सभी लोगों के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट। बाकी अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस आदेश का क्या कैसे होना है और आप लोगों को मैं स्पष्ट भी कर दूंगा। तो ये 24 का एक्सपीरियंस उसके लिए भी अभी तुम्हारी बात नहीं की है, बात करेंगे आप अगर आपने डाला है तो मंडे को मैं इसके लिए भी बात करूंगा। जो 20 सत्र में बाहर हुए हैं उनका क्या होगा, तो यार जो स्कूल में जहाँ रिक्त पद बचे होंगे वहाँ आपकी नियुक्ति होगी, बाकी तो कुछ नहीं बता, मैं बता दिया आप लोगों को अभी।
जो जहां पे नियमित शिक्षक आ गया है वहां पे कुछ नहीं हो सकता।